सो हाय एवरीवन, मैं विख्यात आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नीति विद विकी में। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं। आई रियली वांट टू अपोलोजाइज टू यू ऑल, बिकॉज जैसे मैंने आप सभी को बोला था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ऑन हाउ अफगानिस्तान क्राइसिस, मतलब ये जो अफगानिस्तान का क्राइसिस है और जितने भी कंट्रीज का यहाँ पर रोल है वो किस प्रकार से रिलेटेड है टू द हिंदू एपिक महाभारत। तो मैं इस पर वीडियो लाने वाला था, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने ये वीक इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। तो जो महाभारत वाला वीडियो है कि आज की अफगानिस्तान की सिचुएशन किस तरह से हिंदू एपिक महाभारत से रिलेटेड है और उनमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं, ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीक लेकर आऊंगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक नहीं, ये एक आदमी की कहानी है, एक ऐसा आदमी जो कि जू है और जो कई सालों से सिर्फ एकमात्र जू बनकर अफगानिस्तान में रह रहा था। यस, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज ज़ेबुलन सिमेंताव। ज़ेबुलन सिमेंताव was the only Jew person living in Afghanistan. लेकिन तालिबान शासन के आने के बाद, मतलब 15 अगस्त को जो तालिबान का रूल आ गया है, तो अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि अभी भी वो अफगानिस्तान में है या किसी और कंट्री में चले गए। तो आपके इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंडिंग में मिल जाएगा। So let's begin. तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जूज इन अफगानिस्तान। जूज मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो यहूदी लोग, यहूदी लोगों, यहूदी बोला जाता है हिंदी में जूज को। तो जूज अफगानिस्तान में 2500 साल से रहते आए हैं। 2500 ईयर्स से जूज आर स्टेइंग इन अफगानिस्तान। हजारों जूज यहाँ पर रहते थे और आज भी अगर आप देखो तो अफगानिस्तान में 4 सिनेगॉग्स हैं, आज भी सिनेगॉग्स हैं। अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि सिनेगॉग्स मतलब क्या। तो सिनेगॉग्स मतलब जहां पर जूइश लोग गैदर होते हैं और अपनी रिलीजियस वर्शिप करते हैं, उसे सिनेगॉग कहा जाता है। तो 2500 सालों से अफगानिस्तान में जूस पीसफुली रह रहे थे, लेकिन अगर आप लास्ट 50 साल में देखो तो जूज ने काफी परसिक्यूशन फेस किया है इन अफगानिस्तान। अभी आपके मन में सवाल आएगा परसिक्यूशन मतलब क्या। तो परसिक्यूशन मतलब एक गंदी तरीके से उनको ट्रीट किया गया है। और 1948 में जब इजराइल बना, तब से जो पूरे वर्ल्ड में जूज हैं, पूरी दुनिया में जूज जहां भी हैं वो इजराइल जाने लगे। मतलब दुनिया में जहां भी जूस पर अत्याचार हो रहे हैं वो लोग अपनी होम कंट्री इजराइल की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इजराइल, जैसे आप सभी को मालूम है, इज अ जूश कंट्री, वो एक यहूदी देश है। और अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, मतलब अभी वापस उधर तालिबान सरकार आ गई है, लेकिन इससे पहले भी तालिबान की सरकार थी फ्रॉम 1996 to 2001, तब ऑलमोस्ट यहाँ के सारे जूस इजराइल चले गए एक्सेप्ट वन मैन हु इज ज़ेबुलन सिमेंताव, और उन्हीं के बारे में आज ये हमारा सेशन रहेगा। तो ज़ेबुलन सिमेंताव का जन्म हुआ था 1950s में अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में, और उस वक्त अफगानिस्तान पर रूल कर रहे थे किंग मोहम्मद जाहिर शाह। और अगर आप देखो तो बीच में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का रूल शुरू हुआ था 1996 में, तब सिमेंताव जो हैं वो अफगानिस्तान छोड़कर कुछ सालों के लिए इजराइल चले गए थे, लेकिन बाद में वो वापस अफगानिस्तान आ गए, बिकॉज वो एक सच्चे देशभक्त थे। ही वॉज अ पैट्रियोटिक पर्सन। वो भले ही जू थे लेकिन उनकी जो मातृभूमि थी वो अफगानिस्तान थी, और अपनी मातृभूमि से वो बहुत प्यार करते थे। इसीलिए 2-3 साल इजराइल में रहने के बाद वो वापस अपनी कंट्री आ गए। और सिमेंताव जो थे वो कारपेट बेचते थे, और उन्होंने कई सालों तक अफगान आर्मी में भी सर्व किया है। ही वॉज अ आर्मी पर्सन इन द अफगान आर्मी।
और जब तालिबान का शासन शुरू हुआ 1996 में, व्हेन द तालिबान रूल स्टार्टेड इन 1996, तो पहले 2-3 साल तो वो इजराइल में रहे, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी कंट्री वापस आए तब उन्हें 2-3 बार तालिबान ने जेल में भी डाल दिया था, बिकॉज ही वॉज अ जू पर्सन। सो जब तालिबान सरकार थी अफगानिस्तान में फ्रॉम 1996 टू 2001, तब इन पर काफी अत्याचार हुए, लेकिन इन्होंने अपनी कंट्री छोड़ी नहीं, बिकॉज ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा पैट्रियोटिक थे और अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते थे। लेकिन तालिबान के रूल में उन्होंने काफी कुछ सहा है, बहुत इन पर अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू हिम, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियोटिक पर्सन। सो फाइनली तालिबान का रूल लौट आया है इन अफगानिस्तान ऑन 16th August 2021, और तालिबान के वापस पावर में आ जाने से जो हमारे आज के वीडियो के हीरो हैं सिमेंताओ, इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया है। तो यहाँ आप इनका स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, यहाँ देख सकते हो दैट ही इज सेइंग दैट तालिबान आर स्टिल द सेम एज दे वर 21 years ago। मतलब जब तालिबान का पहली बार रूल आया था 1996 में, उस वक्त वो जैसे थे आज भी वो वैसे ही हैं, आज भी उन्हें काफी कट्टरवाद है। और ही सेज दैट आई हैव लॉस्ट फेथ इन अफगानिस्तान एंड देर इज नो मोर लाइफ हियर। तो अभी उनका कहना है कि अभी तालिबान शासन लौट आया है, तालिबान गवर्नमेंट इज बैक, सो यहाँ अफगानिस्तान में अभी मतलब कोई जिंदगी बची ही नहीं है मेरी, ही इज सेइंग। सो ये मतलब ये स्टेटमेंट दी इन्होंने, और ये इसराइल चले गए, और इन्होंने ये भी कहा कि इसराइल में अपने घर में टीवी टीवी पर ये सारी चीजें देखेंगे, मतलब अफगानिस्तान में क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये सारी चीजें ये इसराइल में बैठकर टीवी पर देखेंगे, ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया। और फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में 16th August 2021 को तालिबान का रूल लौट आया, तो ये 7 सितंबर 2001 को इसराइल चले गए, एंड ही सेफ देयर नाउ, वो वहां सुरक्षित हैं। ये इसराइल क्यों चले गए? बिकॉज इसराइल एक ज्यूइश कंट्री है, वो एक यहूदी राष्ट्र है। और अगर मैं आपको सिमेंताओ की खास बात बताऊं, तो ये भले ही जू थे, लेकिन ये पर्शियन बहुत अच्छी बोलते थे, और इवन पश्तो भाषा पर उनका बहुत अच्छा कमांड था। तो इट्स रियली अमेजिंग, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाई हिज स्टोरी, एंड रियली ऑल शुड नो हिज स्टोरी। तो बस गाइज, इस वीडियो में इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।